के गुप्त वंश के पतन के बाद नए वंशों का उदय हुआ, उसमें सब प्रथम जो था प्रमुख वंश उसका नाम है ये आपका हर्षवर्धन का, ठीक है। उससे भूति वंश, इसके संस्थापक कौन है? हर्षवर्धन। संस्थापक पुष्य भूति ये किस जाति से थे? वैश्य जाति से थे। यह पहले गुप्तों के सामंत थे, हूण आक्रमण के बाद में पुष्य भूति वंश ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। ये इनका पहले जमींदार थे, सामंत थे, ठीक है। उसके बाद में आक्रमण हुआ और इन्होंने अपनी स्वतंत्रता जो है वो घोषित कर दी। हर्षवर्धन पुष्य भूति वंश के अन्य प्रमुख शासक नरवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकरवर्धन। तो प्रभाकरवर्धन जो थे उनके तीन बच्चे थे, पहले थे आपके राजवर्धन, इनके पुत्र हर्षवर्धन सेकंड नंबर, और राजश्री इनकी पुत्री थी। राजश्री का विवाह मोखरी वंश के कन्नौज, मोखरी पड़ता कन्नौज में, के शासक ग्रहवर्मा से हुआ था। ग्रहवर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने की। बहन के पति ग्रहवर्मा का बदला लेने के लिए बड़े भाई राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। राजश्री देवगुप्त के दोस्त शशांक गौड़वंश का जो शासक था उसने राजवर्धन की हत्या कर दी, अपने दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए। राजश्री और राजवर्धन के छोटे भाई हर्ष और वर्धन ने शशांक की हत्या कर दोनों का बदला ले लिया। हर्षवर्धन ने राजश्री के साथ 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक शासन किया था, दोनों भाई बहन ने मिलकर, ठीक है। हर्षवर्धन की उपाधियां कौन कौन सी हैं? परम भट्टारक, महाधीराज, शक्लोप्राण थेश्वर, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, परम माहेश्वर आदि। हर्षवर्धन के समय में हिंसा नाम का एक यात्री आया था, विदेशी यात्री, चीन यात्री था ये आपका 629 से लेकर के 645 ईस्वी तक भारत में रहा और यही आप इसने ज्ञान अर्जन किया था। इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है, इसको शिलादित्य भी कहा है किसने? हर्षवर्धन ने। हिंसा के अनुसार हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत के 5 राज्यों को विजित किया था, जीत लिया था। वो कौन कौन से थे? पंजाब, कन्नौज, गौड़, मिथिला, उड़ीसा। उसके बाद में है हर्षवर्धन ने कश्मीर पर आक्रमण कर बुद्ध का जो दांत था वो कन्नौज के निकट संदाराम में स्थापित करा दिया था। उसके बाद में है आपका हर्षवर्धन ने पश्चिम में पल्लवी के शासक ध्रुवसेन सेकंड से अपनी पुत्री का विवाह कर मैत्री संबंध स्थापित किए थे जीतने के बाद, और यही इनकी अंतिम विजय, ठीक है।